दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में आने वाले कर्मचारियों के अर्बन बैंक का चुनाव 24 एवं 25 जुलाई को संपन्न होना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में आने वाले कर्मचारियों के अर्बन बैंक का चुनाव 24 एवं 25 जुलाई को होना है। 24 जुलाई को आम कर्मचारी मतदान कर सकेंगे, वही रनिंग स्टाफ के कर्मी 25 जुलाई को मतदान करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे मजदूर कांग्रेस के मंडल संयोजक डी विजय ने बताया कि वर्तमान में अर्बन बैंक में कोई सुविधा नहीं है। कर्मचारियों को हम वाहन लोन, बच्चों की शादी के लिए लोन, सेवा में रहते कर्मी की मौत पर सहायता राशि भुगतान आदि की सुविधा नहीं है। यदि हमारा संगठन इस चुनाव में जीतता है तो ये सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। डी विजय ने यह भी बताया कि ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में संचालित अर्बन बैंक आज तक कंप्यूटरकृत नहीं की गई है। यदि हमारा संगठन चुनाव जीतता है तो हम सबसे पहले बैंक को कंप्यूटरकृत करेंगे, जिससे सुविधाओं का इजाफा होगा, साथ ही कार्य कुशलता में भी तेजी आएगी। डिवीजन ने सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अर्बन बैंक चुनाव में रेलवे मजदूर कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रचंड वोट से विजयी बनाएं। अर्बन बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो होता है, ये पूरा कलकत्ता, भुवनेश्वर और बिलासपुर जो तीनों जोन को मिला के एक बार इलेक्शन हो रहा है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग। बैंक में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है? बैंक में अभी इसी के लिए हम लोग लड़ाई शुरू किया है, क्योंकि यहाँ सुविधा बहुत कम है, दूसरा जोन से यदि कंपेयर करने से बहुत कम है। जैसे कि हम नॉर्मल लोन मिलना है और चिल्ड्रन एजुकेशन नाम से 1,000 मिलना है, और जो हॉलीडे होम का नाम से, ये जहाँ तक मेरे को मालूम है, इससे ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ ज़्यादा नहीं है। क्या एक्सेप्ट कर रहे हो आप लोग? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है जो साउथ सेंट्रल रेलवे में जो मिलता है उसमें, मतलब आपको गाड़ी लेने, फोर व्हीलर लेने के लिए, और सेल्फ शादी करने के लिए, बच्चों का शादी के लिए, और फ्लैट करने के, हर तरफ का सुविधा रहता है। इवन वहाँ 5% में भी ना लोन मिलता, जो जो हमारा अमाउंट कुछ बैंक में रहता है, अमाउंट जो है उनको मिला के, उनको जोड़ के हमको लोन मिलता 5%। क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे आप लोग? जो से हम लोग सोचते उसी प्रकार मिलना, और सुविधा तो मिलेगा ही हम लोग जीतने के बाद। अभी इन लोग जो है कहीं भी एक अच्छा काम तो जा अच्छा सा किया नहीं, क्योंकि जो आदमी जो सर्विस में रहते हुए गुजर जाते हैं उनको टोटल अमाउंट का नाम से कम 10,000 रुपये उनको घर जाके देना है। आज तक इन लोग दिया नहीं, इस तरीका से फाइनल में देने से भी कोई फायदा नहीं, और डिविडेंड जो है 12 साल से दिया नहीं था। अभी हम लोग जो केस करके जो धरना करने से दे दिया है, अभी भी उस लेने में भी बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इस बैंक में, एशिया में बिगेस्ट कॉम्पिटेटिव सोसाइटी है, आज तक यहाँ कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ, इससे बड़ा शर्म की बात और हो ही नहीं सकता। हमारा जो बैंक में हॉलीडे होम का नाम से विविध अच्छा अच्छा स्टेट सिटीज़ में होम से, मगर आज बुकिंग करने के लिए किसी का पीछे घूमना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। क्यों ना हम ऑनलाइन में कर सकते, क्यों नहीं करते? जब हमने यहाँ हरिद्वार में रहते हुए हमारा टिकट कंफर्म हुआ तो वहाँ डॉर्मेटरी बुक कर लेते, यहाँ वो सुविधा को दिलाना नहीं चाहते इन लोग। इस तरीका से पूरा कर्मचारी बहुत डिप्रो में है, जो किसी सुविधा इन लोगों को ढंग से मिलता नहीं। बैंक में जाके, बैंक जाने से, बैंक में ऐसा सड़ा हुआ बैंक है उसको अंदर जाने के लिए मौका नहीं मिलता है, और वहाँ कोई सुविधा तो बिल्कुल नहीं है। और आज भी कंप्यूटराइज नहीं होने के लिए हमने कभी 2 दिन भी लगाना पड़ता है जो बैंक लोन लेने के। अच्छा ये बताइए भैया, चुनाव कब है आप लोग का? चुनाव हम लोग 24 तारीख को एक सभी लोगों के लिए होगा, रेल कर्मचारियों का, मगर ड्राइवर में रनिंग स्टाफ जो है उनको 25 तारीख को भी इलेक्शन होंगे, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। बहरहाल इस अर्बन बैंक का चुनाव 25 तारीख को संपन्न होगा, वहीं चुनाव में बड़ी संख्या में रेल कर्मी मतदान करने शामिल रहेंगे। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।